भागवत भगवान के आरती अभियों को पाप से आरती शांति विश्व देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि मंत्रपुष्पांजलिः ॐ जिज्ञेन जिज्ञमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ना देहनाकं महिमाना सजन्द्र चतुर्भुवे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दंदेह प्रचोदया। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुमत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात्। हरि ओम वायुपुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजं भगवाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरे वे स्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सहृदय मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। बोलो सुखदेव भगवान की जय। बोलो पूज्य व्यास जी महाराज की जय। बोलो पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपना समय का ध्यान दें और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने वाली है। सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने काम से निवृत्त होके जल्दी आएं। कथा पांडाल में श्रीमद् भागवत शुरू होने वाली है। जय जय राधेश। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर कुलम् स्रस्त स्रस्त निवद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति दारं किशोराकृति वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा अरुण बिम फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्र
सुमित्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तत्त्वमहं न जाने वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम् बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की भोले बाबा की श्री गिरिराज महाराज की नंद के लाला की किशोरी श्री राधिका रानी की श्री रमण विहारी लाल की श्री सतगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा में प्रवेश करने से पूर्व आइए भगवन नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भगवान की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के हमारे बिहारी
श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा में प्रवेश करने से पूर्व प्रेम से बोलो राधे राधे। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहे वेद पुराण सब संता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ये आकाश अनंत है, इस आकाश में बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े प्लेन, बड़े बड़े जेट, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, बड़े बड़े यान उड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस अनंत आकाश की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई आज तक कोई भी नापने में या तौलने में समर्थ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये आकाश साक्षात गोविंद का ही प्रतिरूप है। जैसे भगवान अनंत हैं, चाहे आप कितना भी लंबा चले जाओ तो भी आपको आकाश ही नजर आएगा, चाहे आप कितना भी ऊंचा चले जाओ तो भी आपको अपने सर के ऊपर आकाश ही नजर आएगा। इस अनंत आकाश में बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा माने अनेकों प्रकार के पक्षी उड़ रहे हैं, अनेकों प्रकार के कीट पतंगे उड़ रहे हैं, मक्खी मच्छर इत्यादि उड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक आकाश की सीमा को कोई नाप नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि ये आकाश अनंत है। लेकिन जिसके पास जितनी सामर्थ्य है, जैसी क्षमता है, जैसी योग्यता है, उसके आधार पर वो अपनी क्षमता के अनुसार अनंत आकाश में उड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही भगवान की कथा और भगवान है। तो इस अनंत कथा के अंदर से 7 दिन में नित्य प्रति 4 घंटे श्रवण करके जितना ज्यादा से ज्यादा आनंद लिया जा सकता है, उतना ज्यादा से ज्यादा आनंद लेने का हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमने आपसे कुछ कहा नहीं, और आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभी आपने ठीक से सुना नहीं। माने कहते कहते लाखों वर्षों से, और कहो तो अनादि काल से श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे राम कथा हो और चाहे किसी अन्य ग्रंथ की कथा हो, इस कथा को कहते कहते न जाने कितने व्यास चले गए और न जाने कितने व्यास कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस कथा का आज तक कोई भी पार पा नहीं सका, क्योंकि ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जिसके पास जितनी योग्यता है, जितनी सामर्थ्य है, वो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह लेता है। भगवान जितनी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, तो ऐसी दिव्य कथा का
इस समाना के अंदर हम लोग श्रवण कर रहे हैं, परम पावन पितृ पक्ष के अंदर श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के आयोजक यजमान हैं हमारे सामने बैठी हुई श्रीमती कमलेश रानी एवं श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी और उनका परिवार। ऐसी दिव्य कथा आपको प्रदान कर रहे हैं जिस कथा के माध्यम से आप अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तर्को प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो ये न गतः स पन्था। यदि तर्क करने बैठ जाओ, वितर्क करने बैठ जाओ, कुतर्क करने बैठ जाओ तो ये भी एक प्रकार का जाल है। वेद शास्त्र पुराण श्रुतियां स्मृतियां और अनेकों ऋषियों का अनुभव, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, हम हमारी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, इसके कोई 10-20 रास्ते पक्के हों ऐसा कुछ भी नहीं है। माने भगवान को पाने के अनंत रास्ते हैं, अनंत प्रकार से अनंत भगवान की साधना भक्ति की जा सकती है। और वैसे भी धर्मस्य तत्त्वम् निहितम् गुहायाम्, माने जिसने जो साधना करके, जैसे साधना करके, जैसे धर्म का आचरण करके भगवान को पाया या अपनी मंजिल को पाया, उसके लिए वही मार्ग सुगम हो गया। लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी तपस्या के बल से भगवान को जैसे जैसे पाया, वैसे वैसे उन्होंने अपना अनुभव हमारे सामने प्रकट किया। लेकिन यही मार्ग सही है या इसी पे चलना चाहिए, इनका धर्म श्रेष्ठ है, इनका धर्म श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई हमें मान लो कि दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाने के लिए यहां से पटियाला होकर के अंबाला से और सीधा जीटी रोड के माध्यम से, 6 लेन के माध्यम से भी दिल्ली जा सकते, और यहां से पीछे से भी एक हाईवे निकलता है वहां से भी दिल्ली जा सकते, और भी यदि हम लोग बहुत सारे दिल्ली जाने के मार्ग बनाना चाहे तो प्लेन के माध्यम से भी दिल्ली जा सकते हैं, पैदल के मार्ग से भी दिल्ली जा सकते हैं, साइकिल लेकर के भी दिल्ली जा सकते हैं। भाई हमारी मंजिल तो दिल्ली है, अब दिल्ली जाने के लिए अनेकों रास्ते हो सकते हैं या हम तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन मंजिल तो दिल्ली है। ऐसे ही भगवान के भक्त की मंजिल तो केवल और केवल भगवान हैं।
अब तुम्हें जो रास्ता सुगम लगता हो, सहज लगता हो, सरल लगता हो, आप उस रास्ते का, उस मार्ग का अनुसरण करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि हमारा धर्म या यही धर्म श्रेष्ठ है या यही मार्ग श्रेष्ठ है ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि धर्मस्य तत्त्वम् निहितम् गुहायाम् महाजनो येन गतः स पन्था। महापुरुष जिस जिस रास्ते से गए हैं वही हमारे लिए ठीक है, उसी का हमें अनुसरण अनुकरण करना चाहिए। महापुरुष हमें जो आज्ञा कर रहे हैं वही माननी चाहिए। क्योंकि तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणम् ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। शास्त्र जो कह रहा है वो भी महापुरुष ही कह रहे हैं और साक्षात महापुरुष जो आज्ञा कर रहे हैं वो भी महापुरुष ही कह रहे हैं। इसलिए संत महापुरुष हमसे जैसे कहें कि बेटा तुम ऐसे करो, तो हमें बिना तर्क वितर्क कुतर किए, बिना किंतु परंतु किए, आंखें बंद करके महापुरुषों की बात मान लेनी चाहिए। वही हमारे लिए कल्याणकारक मार्ग है और उसी मार्ग से हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा धर्मस्य तत्त्वम् निहितम् गुहायाम्। यदि आप चाहो कि हम अपने धर्म पर चल करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, तो शायद बेटा आप जानते नहीं कि संसार में क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसका निर्णय तुम नहीं कर सकते। क्योंकि धर्म रूपी तत्व तो वास्तव में ऐसी गुफा में इतना अंदर जाकर के छुप गया है कि वहां पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए महापुरुषों की आज्ञा, महापुरुषों के श्री मुख से निकलने वाली जो वाणी है, हमारे लिए वही वास्तव में मार्ग है भगवान की प्राप्ति करने का और अपना जीवन धन्य बनाने का। तो इसी मार्ग का अनुसरण करें। वेद पुराण शास्त्र आप पढ़ नहीं सकते, श्रवण करने का समय नहीं है, तो महापुरुष जो आज्ञा कर रहे हैं केवल उसका पालन करें, इसी से जीवन सफल हो जाता है। और घर में बैठ करके प्रार्थना करें कि मेरे मन दिया बागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। तो आओ हमारे साथ में कहो तीसरा। ओ मेरे मन दिया बागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन दिया बागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन दिया बागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। कोई संत मिले। तार प्रभु
भगवान की जय।